हाय एवरीवन, मेरा नाम समीना जैदी है। आज मैं आप लोगों को भिंडी की तरकारी बनाना बताऊंगी। ये बहुत आसान, सिंपल और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है और आप लोग इसको रोटी, चपाती और पूरी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और पसंद करेंगे। भिंडी की तरकारी। भिंडी कटी हुई, प्याज कटी हुई, कटे हुए टमाटर, तेल, कुटी लाल मिर्च, साबुत ज़ीरा, नमक। चूल्हे को ऑन कर लें। अब पैन में तेल डाल लें। अब इसमें कटी हुई प्याज डालें। इसको चलाएं और इसको मीडियम आंच पे फ्राई करें प्याज को, इतना कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब ये प्याज ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब इसमें साबुत ज़ीरा डालें, इसको चला लें और अब इसमें बारीक कटी हुई भिंडी डालें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें कि सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएं। कुटी लाल मिर्च शामिल करें, नमक, इसको चला लें और ख़्याल रखें कि पैन में ये लगे ना नीचे से। अब टमाटर डालें, और इसको चला लें। थोड़ी थोड़ी देर में इसको चलाते रहें और इसको खुला पकाना है। इसको ढक्कन नहीं लगाना है ताकि ये भिंडी जो है ये क्रिस्पी रहे और जूसी भी रहे। अब ये भिंडी तैयार हो गई है। चूल्हा बंद कर दें और इसको गर्मा गर्म सर्व करें। इसको ओवर कुक नहीं करना है और ना इसमें पानी डालना है। एंजॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।